हेलो एवरीवन, मैं तनिष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के बारे में, जिसे हम 3 स्टेप में कवर करेंगे। और हाँ, हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लास्ट में आपको एक अमेजिंग फार्मा फैक्ट बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, गेट सेट फार्मा। तो इसे हमने 3 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ये है हमारे पास हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा जो भी अनबैलेंस हुआ है बॉडी में, उसे डिटेक्ट करेगा और एक सिग्नल बनाएगा। एक सिग्नल बनाएगा टीआरएच की फॉर्म में, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि क्या करेगा, एंटीरियर लोबो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। स्टिम्युलेट करेगा, सिग्नल भेजेगा कि बॉडी में T3 T4 की जरूरत है, तो आप थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करें। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करने के लिए एंटीरियर लोब क्या करेगा, एक हार्मोन या एक स्टिम्युलेटर को सिक्रीट करेगा, जो कि क्या है, TSH। TSH क्या है, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। और उसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि ये थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिम्युलेट करेगा हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए या उन्हें बनाने के लिए। ठीक है, यहां पर फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, TSH बन गया या रिलीज हो गया। ये जो TSH रिलीज हुआ ये वो है। और सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है उसे एक्टिवेट करना, और कौन एक्टिवेट करेगा, TSH। अब हम देखेंगे कि वो एक्टिवेट कैसे करता है और असल में क्या प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है या स्टिमुलेट हो जाता है। तो ये जो है हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। हम थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को जूम इन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें क्या हमें ये पता चलेगा कि जो थायराइड ग्लैंड है वो एक कॉम्पैक्ट फॉलिकल सेल से मिलकर बना हुआ है, और उन सेल के अंदर का जो होलो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कोलोइड कहते हैं। और थायराइड ग्लैंड क्या है, ब्लड वेसल से सराउंडेड है। ठीक है, ब्लड वेसल बेसिकली सिंपल है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट होती है, ताकि वो सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाए और हेल्दी रख पाए। इसी फॉलिकल सेल के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। कौन सा रिसेप्टर होता है, वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। वो कुछ इस तरह का दिखने का होता है, इस तरह का दिखता है। और जो TSH है वो क्या करेगा, जी प्रोटीन पे बाइंड करेगा, क्योंकि उसे स्टिमुलेट करना है। वो क्या करेगा, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, और रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि GTP है वो GDP में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज होगा। और इसी के साथ साथ जो सब यूनिट अल्फा बीटा गामा सब यूनिट जी रिसेप्टर पे लगी होती है वो सेपरेट हो जाएगी। ये देखिए, अल्फा बीटा गामा जो ये सब यूनिट है वो क्या हुई, जी प्रोटीन कवर रिसेप्टर से सेपरेट हो गई। इसकी वजह से ये जो प्रोसेस हुआ, अभी किसकी वजह से हुआ, जब TSH बाइंड किया जी प्रोटीन से, इसकी वजह से जो साइक्लिक एएमपी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और एक चीज और है, जितना ज्यादा साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ेगा उतनी ज्यादा T3D4 की प्रोडक्शन होगी। तो यहां पर क्या हुआ, साइक्लिक एएमपी जो था वो बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है T3D4 की वो भी बढ़ गई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इस प्रोसेस से हमें क्या पता लगा कि जो थायराइड ग्लैंड है वो यहां पर एक्टिवेट हो चुका है। और वो कैसे हुआ वो मैं आपको बता चुका हूं। अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हम पढ़ेंगे सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज एंड एक्शन ऑफ T3 एंड T4। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। ये है कॉम्पैक्ट फॉलिकल सेल्स, किसके, थायराइड हॉर्न, थायराइड ग्लैंड के। अगर हम इसे जूम इन करें, इस पर्टिकुलर पोर्शन को जूम इन करें, तो हमें पता चलेगा कि एक ब्लड वेसल है जिसके अंदर पोटेशियम, सोडियम, आयोडाइड, ये कुछ आयंस, कैटायन एंड आयंस प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और ठीक उनके नीचे एक कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स की होगी, एक फॉलिकल सेल्स की कॉम्पैक्ट लेयर होगी। ठीक है, और जो अंदर का होलो पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, कोलॉइड। ठीक है, तो अब यहां पर दो प्रोसेस चलेंगे, साइमेंटेनियसली चलेंगे, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला प्रोसेस रहेगा वो रहेगा सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ थायरोग्लोबुलिन। सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ थायरोग्लोबुलिन, जो फोलिकल सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, थायरोग्लोबुलिन को रिलीज करते हैं।
ठीक है, थायरोग्लोबुलिन को रिलीज करा, और इसी के साथ साथ फोलिकल सेल में गोल्गी अपरेटस भी प्रेजेंट होते हैं। ये गोल्गी अपरेटस क्या करता है, इस थायरोग्लोबुलिन को पैक करता है, पैक किया और ट्रांसफर कर देता है कोलोइड में। ठीक है, थायरोग्लोबुलिन कोलोइड में आ गया। अब हम थायरोग्लोबुलिन को देख लेते हैं कि एग्जैक्टली थायरोग्लोबुलिन है क्या। थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि फोलिकल सेल्स सिक्रीट करते हैं, फोलिकल सेल्स बनाते हैं, और जो जो इस प्रोटीन, जो थायरोग्लोबिन प्रोटीन है, उसमें जो बेसिक मोइटीज लगी होती है वो किसकी होती है, टायरोसिन की। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि T3 T4 के स्ट्रक्चर में बेसिक मोइटी किसकी होती है, टायरोसिन की। ठीक है, तो टायरोसिन तो हमें मिल गया, अब हमें सेकेंड चीज क्या चाहिए, याद कीजिए, आयोडीन। ठीक है, तो सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा, आयोडाइड अपटेक। देखिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, सेकेंड प्रोसेस है आयोडाइड अपटेक। तो ध्यान रखिए, आयोडाइड होता है आई नेगेटिव और आयोडीन होता है आई पॉजिटिव। तो अभी जो हमें फूड से मिलता है वो आयोडाइड की फॉर्म में मिलता है, तो वो ब्लड वेसल में प्रेजेंट है। ये देखिए, ये जो है आयोडाइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल से फोलिकल में कैसे आएगा, फोलिकल्स में कैसे आएगा, तो इसके लिए एक चैनल होता है जिसका नाम सोडियम आयोडाइड चैनल होता है। ये एक सिंपोर्टर होता है। देखिए कौन सा सिंपोर्टर है, सोडियम आयोडाइड। तो क्या होगा, सोडियम का मॉलिक्यूल और आयोडाइड का मॉलिक्यूल दोनों अंदर, या तो अंदर आएंगे सेल के या सेल के अंदर से बाहर जाएंगे, लेकिन दोनों, या तो दोनों अंदर आएंगे या दोनों बाहर जाएंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिंपोर्टर। तो यहां पर क्या होगा, सोडियम का मॉलिक्यूल अंदर आएगा और आयोडाइड का अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने देखा कि सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर है, तो हमें सोडियम ब्लड वेसल में चाहिए ताकि आयोडाइड कंटिन्यूसली अंदर आता रहे, क्योंकि अगर सोडियम की डेफिशिएंसी हो गई तो आयोडाइड अकेला अंदर नहीं आ सकता। तो क्या होगा, ये सोडियम दूसरे चैनल से वापस ब्लड वेसल में चले जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल को स्टेबल करने के लिए के पॉजिटिव फॉलिकल सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इतना प्रोसेस समझ आया। अब देखिए, टायरोसिन हमें चाहिए, वो तो कोलाइड में पहुंच गया, आयोडाइड हमें मिला ब्लड वेसल से, वो फॉलिकल सेल में है, तो इस आयोडाइड को कोलोइड में लाना पड़ेगा। तो ये आयोडाइड कोलोइड में एक चैनल के थ्रू आएगा जो कि फॉलिकल सेल और कोलोइड के बीच में प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है पेंड्रिन। एक पेंड्रिन चैनल होता है, ठीक है, वहां से क्या होगा, आयोडाइड फॉलिकल सेल से कोलोइड में आ जाएगा और इस इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल को न्यूट्रल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कोलोइड से सीएल नेगेटिव फॉलिकल सेल में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए टायरोसिन भी कहाँ है, कोलोइड में, आयोडाइड कहाँ आ गया, कोलोइड में, लेकिन हमें तो आयोडीन चाहिए, तो हमें सबसे पहले आयोडीन को, सॉरी आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो ये जो आयोडाइड है ये परोक्सीडेज, ये देखिए, सॉरी मैंने आपको बताया कि क्या होता है आई नेगेटिव, क्या होता है आयोडाइड, और आई पॉजिटिव क्या होता है, आयोडीन। तो हमें आई नेगेटिव से आई पॉजिटिव बनाना है और ये आयोडाइड परोक्सीडेज की प्रेजेंस में आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और परोक्सीडेज ऐसे का है, H2O2। अब हमें क्या मिल गया, आयोडीन भी मिल गया, टायरोसिन भी मिल गया, लेकिन टायरोसिन थायरोग्लोबुलिन जो कि एक प्रोटीन होता है उसके स्ट्रक्चर के अंदर है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये आयोडीन जाके बाइंड करेगा टायरोसिन मोइटिस में। ठीक है, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें अगर दो आयोडीन टायरोसिन बेस पे जाके बाइंड किए हैं तो उन्हें हम DIT कहेंगे। ये हमने पढ़ा था कि जिस टायरोसिन पे दो आयोडीन लगे हैं उसे हम क्या कहते हैं, DIT, डाई आयोडो टायरोसिन, और अगर एक बाइंड करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, MIT। ठीक है, अब देखिए हमें MIT DIT मिल गया, लेकिन T3 T4 क्या होते हैं, T3 क्या होता है, अगर DIT MIT के साथ बाइंड कर रहा तो T3 बनेगा, अगर DIT DIT के साथ बाइंड कर रहा है तो T4 बनेगा, लेकिन यहां पर वो अलग अलग है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, जिसका नाम कपलिंग है, इस प्रोसेस का नाम कपलिंग है, इसमें क्या होगा, DIT बाइंड करेगा, कुछ DIT मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाएंगे MIT के साथ जो कि मिलकर T3 बनाएंगे, और कुछ DIT के मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएंगे DIT के साथ जो कि मिलकर बनाएंगे T4। अब यहां पर हमें T3 T4 तो बन गया, लेकिन वो अभी भी
थायरोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर में ही है। ठीक है, तो ये देखिए जो टायरोसिन तो थायरोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर के अंदर ही T3D4। तो अब यहां पर क्या होगा, ये जो थायरोग्लोबुलिन है जिसके अंदर MIDD-DIT और T3D4 है, वो या तो पिनोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, फॉलिकल्स में। फॉलिकल्स में गए, क्या गया, थायरोग्लोबुलिन। फॉलिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या करते हैं, इन्हें कट कर देते हैं। ठीक है, और कट किस में कर देते हैं, T3D4 में, MIT-DIT में, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में बेसिकली यही चार चीजें हैं। अब क्या होगा, ये जो MIT-DIT है, ये क्या होगा, ये इस प्रोसेस में वापस चले जाएंगे बाय प्रोसेस ऑफ डीआयोडीनेशन। ठीक है, इस प्रोसेस से क्या होगा, MIT-DIT जो उनके ऊपर आयोडीन लगा हुआ है वो रिलीज कर देगी और वापस से वो प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रहेगा हमारे पास, T3 एंड T4। तो यहां से वो ब्लड वेसल में ट्रांसफर हो जाएंगे, T3 T4 ब्लड वेसल में आ चुके हैं। अब क्या होगा, लेकिन ये खुद से ट्रैवल नहीं कर सकते। खुद से क्यों ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिपिडिक इन नेचर है। तो इन्हें क्या चाहिए, ये क्या करेंगे, एक प्रोटीन के साथ बाइंड करके, जो कि होगा थायरॉइड बाइंडिंग प्रोटीन, जिससे T3 T4 बाइंड करेगी और ब्लड में एक जगह से, ब्लड से होके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगी। तो यहां पर वो बाइंड करेगी और क्या करेगी, ट्रैवल करेगी ब्लड में, और जो टारगेट सेल है जहां पर इन्हें अपना फंक्शन परफॉर्म करना है वहां तक पहुंच जाएगी। ये हमारा टारगेट सेल है। ठीक है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा, उसे ध्यान से समझना। जब ये पेनिट्रेट करते हैं सेल के अंदर, T3 T3 रहता है, ठीक है, और जब T4 पेनिट्रेट करता है तो वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है। वो इन दोनों में डिफरेंस क्या, बेसिकली सिर्फ एक आयोडीन का। ठीक है, तो होता क्या है, ये ऐसा चेंज क्यों होता है, T4 T3 में कन्वर्ट क्यों होता है, क्योंकि T3 जो है वो मोर पोटेंट होता है एज कंपेयर टू T4। तो इसीलिए T4 अपनी बेस्ट और मैक्सिमम एक्टिविटी देने के लिए T3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, ये थायराइड हॉर्मोन्स क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं जो टारगेट सेल है, जो हमने पढ़ा था सेलुलर अपटेक। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर जीन होते हैं, जीन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन्हीं में से एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है थायराइड हॉर्मोन रिसेप्टर। नाम से हमें पता चल रहा है थायराइड हॉर्मोन रिसेप्टर, इसका मतलब ये वो रिसेप्टर है जिसपे थायराइड हॉर्मोन जाके बाइंड करेंगे। T3 कहाँ है, साइटोसोल में, तो और रिसेप्टर कहाँ है उसका, न्यूक्लियस में। तो ये क्या करेगी, साइटोसोल से न्यूक्लियस में पेनिट्रेट करेगी। ठीक है, T3 ने क्या किया, न्यूक्लियस में पेनिट्रेट करा और इस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर दिया। बाइंड होने के बाद एक पर्टिकुलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उस प्रोसेस का नाम क्या है, जीन ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस में क्या होगा, एक स्पेसिफिक mRNA बनेगा, और एक स्पेसिफिक mRNA जो बना है वो न्यूक्लियस से बाहर साइटोसोल में जाने के बाद क्या करेगा, एक पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। और ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन बना है, जो स्पेसिफिक प्रोटीन बना है, क्योंकि अगर एक स्पेसिफिक mRNA बना है तो वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन ही बनाएगा, और जो प्रोटीन बना है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा मेटाबॉलिक रेट को। जो लास्ट एक्शन जो होगा वो इस प्रोटीन का होगा, और वो क्या करेगा, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देगा। मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि इसके प्राइमरी जो रोल होता है वो क्या होता है, वो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को। ठीक है ना, तो यहां पर हमने पढ़ा सिंथेसिस, स्टोरेज। स्टोरेज कहाँ हुई इसकी, फॉलिकल सेल्स में, यहां पर ये जो हमने देखा था जब वो T3 T4 बना था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रिलीज हमने पढ़ा कि ये कैसे रिलीज होता है ब्लड में, कैसे ट्रेवल करता है। उसके बाद हमने एक्शन देखा कि ये सेल में अपटेक होने के बाद ये कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करता है। वीडियो के एंड में हम आ चुके हैं अमेजिंग फार्मा फैक्ट की ओर। तो चलिए जानते हैं इस बार क्या है। टू आउट ऑफ थ्री पीपल कैन नॉट सी परफेक्टली, मतलब हर तीन में से दो लोग ठीक से नहीं देख पाते, और ये दुनिया का अमेजिंग फार्मा फैक्ट है। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।